राजनीति विज्ञान में कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 17 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्या पढ़ रहे हैं हम आज? क्षेत्रीय आकांक्षाएं अध्याय 17। तो हम देखते हैं कि विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या है विशेषता? विविधता में एकता। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन के तरीके, सभ्यता और संस्कृति में क्या है? भिन्नता है। और भारतीय राष्ट्रवाद ने अनेकता में एकता के बीच संतुलन स्थापित किया है। भारत देश लोकतांत्रिक होने के नाते क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की आजादी भारत में, इस कारण कुछ लोगों ने क्षेत्रीय स्वायत्तता का मामला भी उठाना शुरू कर दिया, जो भारत के संघात्मक व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी। देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया, किंतु अन्य दृष्टि से भी राज्यों की अपनी अलग पहचान है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के क्षेत्रवाद का अपना विशेष स्थान है, और क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय आकांक्षाओं की चुनौती 1980 में पूरी ताकत के साथ उभरी। इस वक्त तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतिम सांस से ले चुका था, और जो केंद्र सरकार है में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिति और इस समय कुछ बड़े संघर्ष और समझौते के कारण इसको याद किया जाता है। और इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सब उठाया और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े। अब हम देखेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं या क्षेत्रवाद क्या है। तो आधुनिक भारत में जिन अवधारणाओं ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विस्तार किया है, कि भारत कैसा आधुनिक भारत, कि जिन अवधारणाएं कौन कौन से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जिसका विस्तार हुआ है, उनमें क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयतावाद भी एक है। और भारत विविधता का देश है, यहाँ पर प्रकृति, मानव और अन्य जीव प्राणी अपने रंग रूप, वेशभूषा, आचरण, धर्म और संस्कृति में अलग अलग हैं। क्या है कि अपने अपने वेशभूषा, आचरण, संस्कृति, रहन सहन, जाति धर्म में सब अनेकता लिए हुए हैं, और इनकी इस विविधता से इतना लगाव है कि जब कभी इन्हें बदलने, बिगाड़ने या नष्ट करने की कोशिश की गई तो एकजुट होकर बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर भारत ही नहीं, जिस भी किसी देश में स्थितियां बनी वहां बहुपंथक चुनौती बनकर राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है। और इस संबंध में क्षेत्रीयता के वास्तविक अर्थ को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रीयता सामान्य अर्थ में एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की अपने ही क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव व अपनत्व की भावना है, जिसे कुछ सामान्य आदर्श व्यवहार और आचरण के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। प्रोफेसर वोगोट्स का कथन है कि यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र का आर्थिक साधन इस भांति विकसित हो जाए कि उनके लिए अपनी विलक्षणता को बनाए रखना संभव हो, तो वहीं के निवासियों में सामूहिक हितों का विकास और इसके द्वारा क्षेत्रीय आदर्शों का विकास हो सकता है। भावनाएं एक प्रकार से क्षेत्रीय चरित्र है। जिनमें क्षेत्र विशेष की वहां के निवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक एकता और विचारों, भावनाओं, क्रियाओं और व्यवहार में समानता और समग्रता पनपती रहती है। अब हम विस्तृत अर्थ में क्षेत्रीयता का अर्थ देखेंगे कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता का
जिसमें विभिन्न जातियां राष्ट्र के अंतर्गत अपनी प्रादेशिक पहचान बनाने, उनको विकसित करने की दृष्टि से अपनी भिन्नताओं में अभिन्नता के गुण मिलाते हुए अनेकता में एकता का स्वरूप धारण कर आधुनिक राजनीति परिवेश में सार्क, यूरोपीय संघ, दक्षिण अमेरिकी संघ, आसियान आदि संगठन क्षेत्रीयता के आदर्श उदाहरण है। नाटो वार्षासी तो और संकीर्ण मनोवृत्ति के विघटनकारी प्रवृत्ति के क्षेत्रीय संगठन है। सामान्य भाषा में कहा जाए कि प्रादेशिक और राष्ट्रीय के बीच सकारात्मक सामंजस्य आदर्श क्षेत्रीयता कही जाती है, किंतु राष्ट्रीयता से हटकर यह भावना क्षेत्र के विशेषों को ध्यान में रखकर उसके प्रति समर्पित है। देखेंगे कि भारत में क्षेत्रवाद का स्वरूप कैसा है। तो जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता के साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में संकुचित विचारधारा का आविर्भाव हुआ और क्षेत्रीय जन विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लेकर अपने क्षेत्र को अधिक महत्व दिलाने हेतु शासन के सम्मुख आंदोलन करे और मांग करने लगे और यहीं से क्षेत्रवाद के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ने लगे। तो सबसे पहला है भाषाई क्षेत्रवाद। इस स्वरूप को मैं सबसे पहले दक्षिण में देखने में आया, जहां तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्यों की गठन की मांग उठी और अनशनकर्ता का दुखद मृत्यु हो जाने से विरोध में उठी हिंसात्मक घटनाओं को शांत करने के लिए भारत सरकार को आंध्र प्रदेश के गठन किए जाने की घोषणा करनी पड़ी। आगे चलकर न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किए जाने की सिफारिशों ने भारतीय क्षेत्रवाद को ऐसी हवा दी कि आज तक देश इस क्षेत्रवाद से नहीं उबर सका। फिर दूसरा भूमिपुत्र का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर आधारित जो सुविधाएं थी उनके मांग की जाने लगी। सन 1960 में भूमिपुत्र के सिद्धांत को आधार मानकर क्षेत्रीय जनों ने अपने क्षेत्र में शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किए। फिर सामाजिक सांप्रदायिक क्षेत्रवाद, नए राज्यों के पुनर्गठन से कुछ भाषाओं वाले क्षेत्र दूसरे भाषाई वाले राज्यों में मिला दिए जाने के कारण विशेष संप्रदाय के लोगों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले संयुक्त महाराष्ट्र समिति और महागुजरात जनता परिषद ने जाति की अधिकता का प्रश्न उठाकर बंबई प्रदेश को क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात के नाम से दो नए राज्य बनाने में सफलता प्राप्त की और इससे प्रोत्साहित होकर उत्तर में नागालैंड, मिजोरम, असम, अकाली दल द्वारा मांगा गया पंजाब, जाटों द्वारा मांगा गया हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि नए राज्यों का गठन संप्रदाय में बहुलता के आधार पर किया गया। अभी भी महाकौशल, बुंदेलखंड आदि राज्यों की मांग इसमें की जा रही। फिर संकीर्ण मनोवृत्ति एवं पृथकतावाद के गुण समाहित क्षेत्रीयता, जहाँ समाज के क्षेत्र विशेष को समानता और सामाजिक न्याय के साथ एकता के सूत्र में जोड़ने का काम करती है, वही क्षेत्रीय जनों में अपने को विशिष्ट समझने एवं अपने क्षेत्र के प्रति संवेदनशील बनने के कारण संकीर्ण मनोवृत्ति को जन्म, यही से पृथकतावादी विचारधारा जन्म लेती है जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। उत्तर भारत और पूर्व दक्षिण भारत में कुछ लोगों ने इस विचारधारा के पनपने के संकेत पूर्व में ही मिल चुके हैं। अब हम देखेंगे पृथकतावाद का अर्थ क्या है।
किसी क्षेत्र के लोगों में क्षेत्रीय भावनाएं तीव्र होने लगती हैं, तब राष्ट्र में से अलग होने की भावना पैदा होती है। इसे ही पृथकतावाद कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में अनेक मुद्दों को लेकर हिंसा आतंक का प्रयोग इस सीमा तक पहुंच गया कि कुछ वर्गों ने तो अपने आप को भारतीय संघ से अलग करने का प्रयास किया और भारत में 50 के प्रारंभिक दशक में नागालैंड में, 60 के दशक में मिजोरम, 70 में मणिपुर और 70-80 के दशक में असम और त्रिपुरा में आतंकवादी गतिविधियों से युक्त हिंसा देखने को मिलती है। आज कश्मीर में आतंकवादी हिंसा एवं अलगाववाद इससे उदाहरण है। बंगाल में नक्सलवादियों के उदय से हिंसा और अलगाववाद को अधिक शक्ति मिली। हिंसा के उग्र रूप का अर्थ ही अलगाववाद। आप पृथकतावाद के कारण पृथकतावाद या अलगाववाद एक बड़ी ही उग्रवाद क्षेत्रीयवाद की मनोवैज्ञानिक भावना है और भौगोलिक भाषाएं और संस्कृति नेतृत्व की भावना उत्तर दक्षिण भावना से स्वतंत्र राज्य की मांग में जागृत करता दिखा है। आप देखेंगे कि क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम क्या है या क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता के क्या प्रभाव है। क्षेत्रीयवाद की भावना के नकारात्मक परिणाम दिए हैं जिनमें से कुछ प्रभाव इस प्रकार है। पहला, क्षेत्रीय संघर्ष और तनाव बढ़ना। दूसरा, केंद्र व राज्यों के मध्य टकराव, अधिक स्वायत्तता और अलगाववाद की बढ़ती प्रवृत्ति, संघीय क्षेत्रों द्वारा पूर्ण राज्य की मांग, स्वार्थी नेतृत्व व संगठन बल और राष्ट्रीय एकता को खतरा। अब है भूमि पुत्र का सिद्धांत। तो क्षेत्रवाद ने भूमि पुत्र सिद्धांत को जन्म दिया। इस सिद्धांत से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले नागरिकों को उस क्षेत्र में स्थायी आवास बनाने और रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता प्रदान करने की मांग से है। और भूमि पुत्र सिद्धांत से धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर पूर्वाग्रह दृष्टिकोण विकसित होकर राष्ट्रीय विकास में जहां बाधा उत्पन्न हो सकती है वहीं पृथकतावादी विचारधारा को बल प्राप्त हो सकता है। अब जैसे क्षेत्रीय आकांक्षाओं में पृथकतावाद जैसी बातें जन्म लेती हैं, क्षेत्रवाद और अलगाववाद क्षेत्रीय लोगों की भावनाएं हैं, परंतु इन दोनों में अंतर को जानना है। क्षेत्रवाद को एक प्रकार से सकारात्मक भावना कहा जा सकता है जो साधारण और संवैधानिक साधन को अपनाते हैं। ठीक उसके विपरीत है अलगाववाद, एक नकारात्मक भावना जो हमेशा असंवैधानिक या हिंसात्मक साधन को अपनाना है, जैसे पंजाब में खालिस्तान के लिए आंदोलन। अतः उपर्युक्त क्षेत्रीय आकांक्षाओं और तनाव का कारण स्पष्ट किए हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का भारतीय लोकतंत्र पर सामान्य प्रभाव। आगे हम देखेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के चलते क्षेत्रीय पार्टियों को उदय हुआ और देश में कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग जोर शोर से उठने लगी। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय दलों का उदय। सन 1885 में अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और आगे चलकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया जो स्वाधीनता संग्राम की विरासत कांग्रेस को प्राप्त थी। पूरे देश भर में कांग्रेस का एक मजबूत और सशक्त संगठन था जो देश में अनेक दल थे परंतु उसका पूरे देश में प्रभाव नहीं था। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती मिलने लगी। 1967 के तीसरे चुनाव में नेहरू जी का करिश्माई नेतृत्व न होने के कारण कांग्रेस को बड़े पैमाने पर हार का सामना करना पड़ा। इस दौर में क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व में वृद्धि हुई और इन दलों ने
क्षेत्रीय दलों के उदय होने के कारण निम्नलिखित है। पहला, क्षेत्रीय असमानता। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जिसके कुछ क्षेत्र अत्यंत विकसित हैं तो कुछ अविकसित और पिछड़े हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात पिछड़े देशों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया जिससे क्षेत्रीय असंतुलन अधिक हो गया। कांग्रेस से असंतुष्ट नेताओं ने क्षेत्र के विकास को लेकर क्षेत्रीय पार्टियों का गठन कर लिया। फिर दूसरा, कांग्रेस की कमजोर स्थिति। जो सन 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के पास कोई सर्वमान्य नेता नहीं था। नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए अनेक नेता सामने आए। फिर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद आपसी खींचतानी व महत्वाकांक्षा चरम पर आ गई। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वरिष्ठ नेता अपने को अपेक्षित महसूस करने लगे और 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर होती गई जिस कारण क्षेत्रीय दल भी जन्म ले। नेताओं की महत्वाकांक्षा तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण अनेक क्षेत्रीय नेताओं ने संप्रदाय जाति नस्ल के आधार पर जनता को उकसाया जिससे अलग राज्य बनने की मांग करने लगे और बाद में यही नेता लोगों का साथ पाकर क्षेत्रीय दलों का गठन भी करने लगे। किसी दल ने राज्य विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीट जो भी प्राप्त, यदि प्रत्येक 25 सीटों में से किसी दल ने लोकसभा से कम से कम 1 सीट जीती और चुनाव में संबंधित राज्य ने उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की। कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 8% कर लेता। यह हमें क्षेत्रीय दलों के महत्व में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी और भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दल और उसके कार्य निम्नलिखित। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में उनका कार्य क्षेत्र रहा, असम में अन्ना डीएमके, तमिलनाडु बीजू जनता दल, उड़ीसा द्रविड़ फॉरवर्ड ब्लॉक, तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल, झारखंड में झारखंड मोर्चा, ये है जो महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम मुस्लिम लीग, ये आ गए महाराष्ट्र मणिपुर मिजोरम मुस्लिम लीग का केरल है, नागा राष्ट्रीय परिषद, पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, शिरोमणि अकाली दल था पंजाब में, शिवसेना था महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय लोकदल कार्य क्षेत्र इनका था उत्तर प्रदेश में और पीपुल्स डेमोक्रेटिक का कार्य क्षेत्र था जम्मू कश्मीर, पीपुल पैंथर्स पार्टी थी कश्मीर। इस समय भारत में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में जो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आगे बढ़े। फिर भी अनेक क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ हम द्रविड़ आंदोलन का